प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरोला में नुकीले हथियार से गोदकर एक मासूम बालक की निर्मम हत्या कर दी गई। बालक गुरुवार की दोपहर से घर से लापता था। आरोपी शव को दबाने के लिए घर में ही गड्ढा खोद रहा था। जानकारी होने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा और जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले जाया गया। गुस्साए लोगों ने बालक का शव रखकर गजरोला के मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। उसके बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाने लगी। बिजनौर जिले के बस्टा थाना क्षेत्र के फतेह उल्लापुर गांव निवासी करमवीर का परिवार पिछले काफी समय से गजरोला के अतरपुरा में रहता है। करमवीर मजदूरी करता है। गुरुवार की दोपहर उसका 7 वर्षीय पुत्र राहुल अचानक घर से लापता हो गया। मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गई थी। शुक्रवार की सुबह मोहल्ले का ही जन्म सिंह सुबह करीब 4:30 बजे अपने मकान की छत पर गया तो पड़ोसी सुनील केसरी के खाली पड़े घर में मोबाइल के टॉर्च से रोशनी होती दिखी। उसने यह जानकारी अपने पड़ोसी तेजपाल को दी। तेजपाल व जन्म सिंह अपने घर से निकलकर रास्ते में पहुंचे तो टॉर्च की रोशनी बंद हो गई तथा सुनील का पुत्र विशाल केसरी घर से बाहर निकलकर अपने दूसरे घर में जाने लगा। जन्म सिंह ने उससे खाली घर में जाने की वजह पूछी तो वह टाल गया तथा पौधे के लिए मिट्टी खोदने की बात कही। जन्म सिंह को शक हुआ। उसने विशाल को धमकाया तथा खाली पड़े घर का ताला खुलवाकर अंदर देखा तो खून से लथपथ राहुल का शव कट्टे में बंद पड़ा था। शोर शराबा होने पर अन्य लोग इकट्ठा हो गए और विशाल को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा विशाल को थाने ले गई। गुस्साए लोगों ने शव को इंदिरा चौक पर रखकर जाम लगा दिया। 2 घंटे तक जाम लगा रहा। एसपी एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने के बाद भीड़ शांत हुई तथा जाम खोला गया। आज जो बच्चे के मरने का मामला सामने आया था जी, गजरोला थाना क्षेत्र में आज सुबह एक बच्चे की डेड बॉडी मिली जिसकी हत्या के शक में पड़ोस के लोगों ने एक युवक को पकड़ा था। पुलिस थाने पर उस युवक को लेकर आई है। उससे पूछताछ चल रही है और जो भी घटनाक्रम होगा वो सामने आएगा। पुलिस ने कल इसमें गुमशुदगी का मुकदमा लिखा था, अपहरण का मुकदमा लिखा था बच्चे का जी। और आज जो तहरीर आई है नई हत्या की उसके आधार पर इस मुकदमे को तर्मीन करके अभी उससे पूछताछ कर अनावरण पुलिस को कार्यवाही की जाएगी। जैसे सर परिजनों ने आरोप लगाया कि कल मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था, जैसे वो बता रहे हैं कि कल जो है उन्हें यहाँ से जो थाने से भेज दिया गया था वापस, तो मुकदमा नहीं होगा और वो कह देगा अपने बच्चे को खुद ही ढूंढ लिया इसके बारे में। ये कल पुलिस ने बच्चा जब सूचना मिली थी, बच्चा ढूंढवाया भी था काफ़ी देर तक और जब बच्चा नहीं मिला तो पुलिस ने लगभग 9 बजे रात में इनका मुकदमा भी दर्ज किया था बच्चे का अपहरण का, और इसमें FIR दर्ज है इसमें। और जो बच्चे की समय जानकारी आई थी पुलिस तब भी तत्काल मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी गए, CO साहब भी गए, मैं स्वयं पहुँचा था और पूरे प्रकरण में पुलिस एकदम सजगता से काम कर रही है। और फिर भी अगर परिजनों को कोई आपत्ति है किसी बात की इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।